अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज नईम अली, साइंस टीचर। टुडे वी विल लर्न अबाउट द साइंस क्लास 7। जी तो असर खबर आ यूनिट नंबर 1 में, जो यूनिट नंबर 1 जो हेडिंग का नालो आ उनमें स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आ, स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जी। अच्छा जरा भी वर्ड ही लिविंग ऑर्गेनिज्म तो चित लिविंग ऑर्गेनिजम्स असा उन्हें के चलायो जेके साह कण जेके ग्रोथ कण जेके वाद बीज कण उन्हें के असा लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंसीडर करना है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में असा जा बशे थी जे यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स से जा भाई जेके असा जा लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। पर प्लांट्स में असा एकडी पॉइंट है इने जे करे डिस्कस करना है तो प्लांट्स आर फिक्स्ड एट वन प्लेस छो तो हु मूव करण जे एबल न हुंदा है उन जे करे उन्हें के असा एक करेक्टर जो मेन करेक्टर जो था डिफरेंस हिसाब सा एनिमल एंड प्लांट्स में the they are fixed at one place, yani plants are fixed at one place and animals are unable to move, animals are move over yani move from one place to another place, like munjo ke agar example hoje to ma bhi pro animal hai par ma social animal me consider to kya because I am a sense, yani we have a sense una ka po sam pehla pehla topic pe जिन टॉपिक पे इंदा सी टॉपिक जो नाम हुआ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में डेफिनेटली जब फ्लावरिंग प्लांट्स तो अच्छे तो फ्लावरिंग प्लांट्स में दैट मींस वन अच्छा पेड़ा प्लांट्स दूंगा जो कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होगा या नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होगा। डेफिनेटली बिल्कुल यही है द फ्लावरिंग प्लांट्स से क्या होता है एंड क्या होता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में ऐसा देना चाहता था उनमें फ्लावरिंग प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स। वो बाय द मेन पार्ट्स केड़ा है, फर्स्ट वन इज द वेजिटेटिव पार्ट्स एंड सेकंड वन इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट एंड सेकंड वन इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट्स की ज्यादा सर स्टडी करना है। वेजिटेटिव पार्ट्स कंसिस्ट विद स्टेम रूट लीव्स आर द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। स्टेम मींस द रूट मींस पॉड एंड लीव्स मींस पन्न या पत्ता। अच्छा स्टेम हाँ ऐसा हिंदे वेजिटेटिव पार्ट जे स्टेम जी स्टडी करना सुनते स्टेम इज़ द पार्ट ऑफ़ प्लांट व्हिच ग्रोस अबोव द ग्राउंड व्हिच ग्रोस अबोव द ग्राउंड यानी एड़ा प्लांट का थ्रेड है स्टेम्स जेके जमीन का अपवर्ड यानी मध्य मध्य ग्रोथ कर उन्हें कैसा स्टेम कंसीडर करना है। स्टेम कंसिस्ट विथ लीव्स बर्ड्स एंड फ्लावर एंड फ्रूट। स्टेम जो होता है वो ऐसा जा लीव्स से मुश्तमिल होता है, बड्स यानी मुकड़े से मुश्तमिल होता है, फ्लावर यानी गुलन से मुश्तमिल होता है एंड फ्रूट्स एंड ऐसा जो मेवन से भी मुश्तमिल होता है। उनका तो ऐसा नाउ मूविंग टुवर्ड्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेम यानी थोड़ा जो खासियत हूं केड़ी है कैरेक्टर्स केड़ा है स्टेम का उनमें स्टेम में इरेक्ट एंड अपराइट हो जी। इरेक्ट एंड अपराइट माना सा स्टेम में कैरेक्टर्स के हवाले से अगर स्टडी कयो तो इरेक्ट एंड अपराइट मकसद आप माना डेफिनेटली स्टेम जब हम प्लांट जो वो डेफिनेटली अपवर्ड यानी अपराइट अप ग्रोथ कर दो जमीन का मध्य जो है ग्रोथ कर दो उन लोग ऐसे नहीं चाहूंगा। अच्छा कुछ ऐसा ना प्लांट सम स्टेम्स आर ग्रोस हॉरिजॉन्टली कुछ ऐसा ना प्लांट्स जैसे कि स्टेम होता है वो हॉरिजॉन्टली ग्रोथ भी करता है यानी कुछ ऐसा जैसे कि वर्टिकली डेफिनेट मत हेलर कर एंड कुछ स्टेम ऐसा जा वीक भी होता है डेफिनेटली उन लोग फॉर्म में ऐसा ना जी स्टार्ट करेगा। लेट्स सपोज नाउ वी विल स्टडी अबाउट द हॉरिजॉन्टल फॉर्म हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जरा ऐसा एग्जांपल और फाउंडेशन लेट्स सपोज द फॉर द स्टेम जो तो उनमें स्ट्रॉबेरी जो एग्जांपल और था स्ट्रॉबेरी जो प्लांट हो वो प्लांट जो का जरा सरफेस के ऊपर डिपेंडेंट हो और के साथ हॉरिजॉन्टल फॉर्म कंसीडर था कि अच्छा उन का को असर आपको जो स्टेम्स एड़ा भी होता है जेके स्टेम असर अंडरग्राउंड होता है लाइक पोटैटोस हां पोटैटो प्लांट जो स्टेम होता है वो असर के अंडरग्राउंड में होता है डेफिनेटली उन का को असर जो है बेओ कलेक्टर द दे कंटेन्स क्लोरोफिल एंड स्टोमेटा। क्लोरोफिल एंड स्टोमेटा डू यू नो अबाउट द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज इन अदर वर्ड्स यू कैन से जस्ट लाइक these are the green pigments of the plants are present in the stem or plant body yani plant ki body jo color hua wo green color hua wo in chlorophyll ke wajah se kare hua yani chlorophyll jo ke hua hai wo sun green pigments hua hai
इन ग्रीन पिगमेंट्स का को असा जो ग्रुप फॉर्म अचे तो स्टोमेटा यानी कुछ स्टेम असा जा ग्रीन इन कलर होता है ग्रीन इन कलर दैट मींस माना उन के अंदर स्टोमेटा भी मौजूद होता है हां स्टोमेटा जो कम छ होता है स्टोमेटा एकड़ा स्मॉलेस्ट होल्स स्टोमेटा आर द स्मॉलेस्ट होल्स दे आर प्रेजेंट इन द स्टेम एंड लीव्स स्टोमेटा जो कम यू होता है द एक्सचेंज द गैसेस मींस गैसेस जी मटा सटा करना है यानी उन्होंने गैसेस एक्सहेल एंड इनहेल थी लाइक जी असा ब्रीथिंग करना है असा ब्रीथिंग भी एक्सहेल एंड इनहेल था यानी असा ऑक्सीजन इनहेल था क्यों ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड था सेम वे नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड पॉइंट रूट रूट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट अंडरग्राउंड जी थी तो ताकि खबर बाबा अंडरग्राउंड असा के चलाए अंडरग्राउंड प्लांट जो को हिस्सो जो जमीन जे अंदर हो जे जी हम ताके इन जे अते कैरेक्टरिस्टिक्स में एग्जांपल ले लो त पोटैटो जो जो स्टेम हो डेफिनेटली पोटैटो असा के अंडरग्राउंड मिलन हो एंड रूट्स दी फार्म में उन के असा अंडरग्राउंड पार्ट जो डेफिनेटली एंड हां को ना को सेकंड पॉइंट ये सेकंड ऑफ सेकंड पॉइंट इज दैट रूट इज दैट नॉट ग्रीन इन कलर रूट जो जो कलर हुंदो आ वो ग्रीन कोन हुंदो आ ये खणी चो त वाइट इन कलर वाइट इन कलर या कलरलेस भी चई सको ता पर वाइट इन कलर ओके और अब को ना मूविंग टुवर्ड्स दिस थर्ड पॉइंट इट डस नॉट कंसिस्ट विद स्टेम सॉरी लीव्स एंड बड्स लीव्स एंड बड्स दे के होना या लीव्स को असंजा हिन रूट ते मुश्तमिल कोन होता है जका सेकंड पॉइंट बी पॉइंट आ है समझी को ना को रूट इज ग्रोइंग पॉइंट रूट जका है वो ग्रोइंग पॉइंट आ या रूट इज द टिप हन ग्रोइंग पॉइंट्स याने प्लांट्स में रूट ना होती तो प्लांट डेफिनेटली ग्रोथ भी ना कर अच्छा उन को को ना ग्रोइंग पॉइंट के साथ रूट टिप पे भी कंसीडर करना है जेकर रूट टिप ना होती यानी ही पाड़ा इन पाड़ा के अंदर ही जका है फॉर्म होती इन के साथ रूट टिप था जो यानी पाड़ जो तो आखरी सवाल के रूट टिप था जो उन रूट टिप जो था वरी रूट के होती है एकड़ी जेके सा आउटर कवरिंग चला उन आउटर कवरिंग के जैसा रूट कवरिंग यानी चीज सकता अच्छा उन जो काम ये हो बात माना हुआ लेंथ प्लांट के लेंथ के ग्रोथ करण में उन जी हेल्प कर दिया रूट फिक्सेस आर होल्डिंग द प्लांट इन द सॉइल जमीन में रूट जो को कम हुआ वो ये होता प्लांट के बॉडी के स्ट्रिक्टली होल्डिंग कर दिया उनके झले भी दिया यानी प्लांट जो जो सजो दारोमदार होता वो रूट ते हुंदो अच्छा रूट जो फंक्शन छा है रूट जो फंक्शन ये हो बाबा त रूट जो को असा के असा ने प्लांट्स में जो को पानी हुंदो यानी वो पानी असा जे जमीन मा रूट के थ्रू प्लांट्स से बॉडी तक पहुंचंदो यानी प्लांट्स जी जका रूट है उन रूट के अंदर एकड़ा जाइलम सेल्स मौजूद हुंदा उन जाइलम सेल्स के थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट थिंगो अ प्लांट जे डिफरेंट पार्ट्स दे या प्लांट्स दे बॉडी में उन का को सेकंड पॉइंट जगह इट एब्जॉर्ब द वाटर मिनरल्स साल्ट फ्रॉम द सॉइल यानी सागी पॉइंट्स जे का मतलब हिन बुधाई पाड़ की मदद से असा के पानी एब्जॉर्ब थिंगो पाड़ ए उन का को मिनरल्स एंड साल्ट्स दे के कोई जमीन मा जे के एब्जॉर्ब कर दिया यानी रूट जे अंदर जे के निकड़ा नंदा हेयर लाइक के स्ट्रक्चर भी हुंदा है जेके असा रूट हेयर्स चंदा है उन में रूट हेयर्स जो काम ये हुंदो आ रूट हेयर्स जो काम ये हुंदो आ माने दे हैव टू एब्जॉर्ब द वाटर रूट हेयर्स एब्जॉर्ब द वाटर रूट हेयर जो काम ये हुंदो माने पानी के एब्जॉर्ब करने में उनकी हेल्प करती है क्लियर नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड पार्ट लीव्स सिंगुलर लीव्स एंड प्लूरल लीव्स पापा में पढ़ाता सा the leaf ji jana sa study karna hai ta it is the flat and green part of the plant flat and green part of the plant sa ke khada jo green ji ta sa ke khabar hat baba sao jo ko kutte jo hisso je unna ke sa green part ajo and flat sa na ke chana jo ko mana lasso je tarah ko jo form ho jo unna ke sa acha wo leaf je ko unna sa jo bin surface system consist karo wo bas surface is kada ikdo upper fleshy या शाइनी भी कंसीडर कर सको तो तमाले के अगर इनके स्पेस को ले अगर लिखी सको शाइनी तरह भी को गलत कोने को अपर फ्लेशी और शाइनी एंड लोअर डल शाइनी यानी प्लांट जो मना के देखा ही तो होना तो दिस इज अ प्लांट लीफ हाँ ने प्लांट लीफ ही
प्लांट जो पत्तो आ इन प्लांट के जो हाँ सरफेस की जैसे गाल्ता क्यों अपर फ्लेशी एंड लोअर डल शाइनी तो हाँ सरफेस की खबर क्या पे तो पा जो अपर एंड लोअर सरफेस कड़ो आ यानी हि जो हों वो असो अपर सरफेस आ अपर सरफेस ऑफ द लीफ अपर सरफेस ऑफ द लीफ इज टोटली शाइनी एंड दिस वन इज द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ लोअर सरफेस ऑफ द लीफ जो हों वो असो डल शाइनी हों यानी उनके अंदर एतरी चमक न होंगी हेटा वालों हिस्सों जो हों चमक में थोड़ा डल हों वो चमकदार हों उनके कर उनके अपर एंड लोअर शाइनी कंसीडर था उनका रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एना से अच्छा इन का एकडी पॉइंट मा बुधाई तो होना जो असा हन जाते ही जिक्र करया स्टोमेटा जो त कुछ स्टेम जे ग्रीन पार्ट में भी स्टोमेटा होना है पर स्टोमेटा असा जे हन पन में भी मौजूद होना है पन जे लोअर सरफेस में पन जे हेठे सरफेस में स्मॉलेस्ट किस्म जा का डंडा होल्स होना है उनन होल्स जो कम ये होवा त गैसेस के एक्सचेंज करना रहना है ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस थी दो और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स जेके पाजो खादो प्रिपेयर करना यानी प्लांट्स मेक देयर फूड एंड फूड वो केड़े सेल्स जे केड़े ऑर्गन थ्रू जो सेल्फ प्रोड्यूस करना यानी मु एकड़ी पॉइंट नोट कयो आई रिवाइज अगेन रिपीट अगेन तो उन में रूट असा पढ़े हुए से त रूट के अंदर एकड़ा जाइलम सेल्स हुंदा है जें जो काम हुआ पानी के ट्रांसपोर्ट कर वाटर के ट्रांसपोर्ट कर तब जाइलम ए फ्लोएम सेल्स जे के प्लांट के बॉडी में हुंदा है हाने बियो मा ता बताई नोला तो वो है फ्लोएम सेल जे के अस जे प्लांट जे पन्न में मौजूद हुंदा है उनन फ्लोएम सेल्स जो काम ही हुआ फूड के प्रिपेयर कर यानी ड्यूरिंग डे टाइम जरे फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस थी हुआ तो उन फोटोसिंथेसिस जे प्रोसेस में स्मॉलेस्ट होल्स जे के स्टोमेटा दा चोंदे है दे विल बी ओपन जरे सन रेज डायरेक्टली अटैक द लीफ स्टोमेटा हैज बीन ओपन स्टोमेटा जे ओपन थी ना गैसेस एक्सचेंज थी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जो सिलसिलो यो हलंदो रहंदो यानी ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट्स से केडी गैस प्रोड्यूस करना प्लांट्स से के इनपुट असा के ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करना है ऑक्सीजन गैस असा के मुहैया करना है यानी जेका असा साह करण जे लाइ इस्तेमाल कयो था वरी उन खां पो एकडो रात जे टाइम में भी ड्यूरिंग नाइट टाइम में भी प्रोसेस इन वर्क प्लांट्स में यानी उन प्रोसेस में प्लांट्स से पांजी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के प्रोड्यूस करना है कार्बन डाइऑक्साइड के कैप्चर करना है अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज करना है ऑक्सीजन के कैप्चर करना है मतलब उन जे अगेंस्ट में सागो फंक्शन यो हलंदो रहंदो अच्छा उन खां पो असा चौथा नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लीफ लीफ पंप असा चौथा नाउ मूविंग टुवर्ड्स द रिप्रोडक्टिव पार्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट में जेका सहित पहले डिस्कस कर रहा है सीन त स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जे के कोई बिन हिस्सन पे मुश्तमिल है एक तो वेजिटेटिव पार्ट है एंड यो रिप्रोडक्टिव पार्ट है हाने वेजिटेटिव पार्ट्स के जे पूरो थियो हाने सा रिप्रोडक्टिव पार्ट जो जिक्र करना सी त रिप्रोडक्टिव पार्ट में सिर्फ सिर्फ असा जो फ्लावर तो अचे यानी फ्लावर असा जो वो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट हाने में तो द रिप्रोडक्टिव फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट व्हिच कंसिस्ट आर विद फ्रूट एंड सीड यानी फ्लावर असन जो सीड ते भी मुश्तमिल हुंदो एंड फ्लावर असन जो फ्रूट्स ते भी मुश्तमिल हुंदो फ्लावर कंटेन्स मेल एंड फीमेल पार्ट्स हाने मेल एंड फीमेल पार्ट्स ते भी मुश्तमिल हुंदो यानी मेल एंड फीमेल पार्ट्स जो फ्लावर में भी कांसेप्ट आ है डेफिनेटली फ्लावर जे अंदर फ्लावर जा जे के कुछ पार्ट्स थीना है जेके असा फर्दर एकडे बे लेक्चर में जो डिस्कस करदा सी त पार्ट्स ऑफ द फ्लावर केड़ा है यानी उन फ्लावर दा जेके पार्ट हुंदा वो डेफिनेटली चार पार्ट हुंदा है जेके असा फर्दर एकडे बे वीडियो में इन जो जिक्र करदा सी इन सम प्लांट्स फ्लावर आर अरेंज्ड इन द सब इन द ग्रुप ऑफ क्लस्टर्स कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस एंड फ्लावर कुछ जो सना एडा बूटा हुंदा है जेके एकडे एड़े गुल ते डिपेंडेंट हुंदा है या त ग्रुप जी शेप में या द क्लस्टर्स जी शेप में क्लस्टर्स ग्रुप तो समझी सकदा पर मे बी क्लस्टर ता असन जो क्लस्टर के हम एक्सप्लेन कर होला त क्लस्टर असन गुल जे एड़े हिस्से के चंदा या एड़े शय के चंदा यानी एड़ो हिस्सो जे में एकड़ो अ बंच ऑफ फ्लावर्स जे अ बंच ऑफ फ्लावर जो एग्जांपल मिसाल एकड़ो अंगूर जो जे छुगो हुंदो आ गोशो हुंदो आ उन में अंगूर जा जे के दाना हुंदा है वे बिल्कुल एक बे सा अटैच थिना दे आर अटैच्ड विद वन अनदर like this is called the cluster form on a cluster form ke asa consider tha kyun inflorescence example li to ana anya bhi ma ina jo
लेट सपोज क्लस्टर जो एग्जांपल हो जी आसान जी सौंफ हुंदी आ जेके अस सिंधी में वर्फ चन आयो उन वर्फ जो जो गुल हुंदो आ वो बिल्कुल गुल जो आए बिल्कुल इ हुंदो आ त हन जाते अलग गुल हुंदा हन जाते करे ही अलग गुल हुंदा हन जाते ही अलग गुल हुंदा पर इन जो कनेक्शन सजो हिकड़े ही प्लेटफार्म ते हुंदो आ इन सजे अ बंच ऑफ फ्लावर के था अस कंसीडर के इन फ्लोरिफेंस थैंक यू।